इंदौर के पास चोरल में देर रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत की स्लैब नीचे सो रहे पांच मजदूरों पर गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में पांचों मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। चौकीदार की सूचना पर एसडीआरएफ पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर पहुँचाया। शुक्रवार सुबह चोरल में हुए बड़े हादसे की खबर से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। निर्माणाधीन फार्म हाउस का स्लैब भर भराकर नीचे सो रहे मजदूरों पर गिर गया। मलबे में दबने से पांच जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई। हादसे की मुख्य वजह देर रात हुई बारिश को बताया जा रहा है। परसों ही छत डली थी और छत बराबर सूखी भी नहीं थी और अचानक भर भराकर मजदूरों पर गिर गई। ये सभी मजदूर निर्माणाधीन स्ट्रक्चर के नीचे काम कर रहे थे और वहीं पर सो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मलबे में दबे सभी मजदूरों को बाहर निकाला। फार्म हाउस के मालिक का नाम भरत वकील बताया जा रहा है। यहां पर 3.5 से 4 एकड़ में रिजॉर्ट बन रहा था। इसमें एक फार्म हाउस भी बन रहा था जिसमें हाल ही में स्लैब डाली गई थी और सभी मजदूर वहां सो रहे थे। ये जमीन अनाया भारत डैम्बला के नाम पर बताई जा रही है। वहीं दूसरी वजह लोहे के एंगल कमजोर होने से छत गिरने की वजह आ रही है। बहरहाल फार्म हाउस वैध था या अवैध, निर्माण के लिए पंचायत तहसीलदार एसडीएम कार्यालय से अनुमति ली थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। ये रात में बारिश ज्यादा होने के कारण जो लेबर थे यहाँ काम कर रहे थे, यहाँ रिसोर्ट का काम चल रहा था। 3.5-4 एकड़ जमीन पे रिसोर्ट बन रहा था और रिसोर्ट के जो लेबर थे, जो ठेकेदार थे, वो काम कर रहे थे। तो रात में पानी ज्यादा होने के कारण ये उस रिसोर्ट के अंदर वहाँ चले गए रहने जहाँ बना रहे थे वहाँ। तो रात में पानी ज्यादा गिरने के कारण ये लोग सो गए। जो बिल्डिंग थी उसकी जो छत थी, उसके छत को इन लोगों ने सीमेंट कांक्रीट से भरा था। भरने के कारण क्या हुआ कि रात में पानी गिरने के कारण वो छत उनके ऊपर ही गिर गई। ये सोते ही रह गए। रात को 11:30-12 बजे का समय है उस मारा में। ये फार्म हाउस यहाँ पे अभी तक तो हमने मैंने पहचाना नहीं, पर लेकिन ये मालूम है कि कोई डॉक्टर और वकील साहब है उनका है, फार्म हाउस है। ये इंदौर के रहने वाले हैं। जमीन की टीएनसी डाइवेशन का नहीं मालूम, एनओसी का नहीं मालूम है। अभी क्या जानकारी, अपने को उतनी जानकारी नहीं है। अपन यहाँ पे आए थे, हम तो सुबह से पूरे ये जेसीपी ये यहाँ गजेंद्र पवार, संजय कुशवा, हमारे जितने भी लोग हैं, राजा आंगले, पूरे हम सब लोग यहाँ पे खड़े होके हम लोगों ने यहाँ पे ये सब मदद करी, निकलाया। प्रशासन ने मदद करी, हमने भी करा। हाँ, पूरा 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 देखिए, चोरल में एक फार्म हाउस था जिसके ओनर जो है वो भरत वकील, जो शुरुआत में नाम पता चला है वो था, और उसकी निर्माणरत था वो फार्म हाउस, और उसकी स्लैब अभी हाल ही में डाली गई थी और उसी जो स्लैब पड़ी हुई थी उसी के नीचे जो चार मजदूर थे और एक जो ठेकेदार थे वो सो रहे थे रात में, और सुबह सुबह वो स्लैब गिरने से इन पांचों लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। जैसे ही हमको घटना का पता चला, तत्काल टीम को एसडीआरएफ को वहां पर भेजा गया और उनके द्वारा रेस्क्यू का काम कर लिया गया है। पांच जो डेड बॉडीज थी उनको रिकवर किया गया है और उनको यहाँ पर इंदौर भिजवाया जा रहा है। अभी इसके बाद में कि वो जो बन रहा था उसकी ग्राम पंचायत से परमिशन थी या नहीं थी, ये चीज पता लगाई जा रही है। और इसके साथ साथ वो जो दबके जिनकी मृत्यु हुई है वो लोग कहाँ कहाँ थे, उनके एड्रेस वगैरह वो इकट्ठा किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर फिर शासन को सहायता का प्रस्ताव भेजा जा सके। घायल भी हैं सर, इनके अलावा पांच? देखिए नहीं, जो वहाँ के चौकीदार हैं उन्होंने भी पुष्टि करी है कि पांच लोग सो रहे थे और अभी डेड बॉडीज भी पांच मिली है। हालांकि अभी अंतिम रूप से जो मलबा वगैरह है उसमें तलाश करी जा रही है, लेकिन अभी तक किसी घायल की कोई सूचना नहीं। चोरल मुख्य मार्ग के समीप बने इस निर्माणाधीन फार्म हाउस पर अलग अलग जगह पर करीब पांच निर्माण कार्य किए जा रहे थे, जिनमें एक निर्माण कार्य की परसों ही छत भरी गई थी। बारिश का मौसम होने के कारण छत बराबर सूखी नहीं थी और उसी छत के नीचे मजदूर सो रहे थे। छत अचानक भरभराकर नीचे सो रहे मजदूरों पर गिर गई। बताया ये भी जा रहा है कि छत लकड़ी के पटियों के भरोसे टिकी हुई थी। मृतकों के नाम पवन पिता भवरलाल पांचाल, हरिओम पिता रमेश, अजय पिता रमेश, गोपाल पिता बाबूलाल प्रजापति और राजा बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार फार्म हाउस मालिक से भी फार्म हाउस और अन्य निर्माण के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं।
जांच के बाद आगामी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है ये फार्म हाउस इंदौर निवासी एक वकील और डॉक्टर द्वारा तैयार कराया जा रहा था। बहरहाल फार्म हाउस वैध था या अवैध, निर्माण के लिए पंचायत, तहसीलदार, SDM कार्यालय से अनुमति ली थी या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। मामले में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।